नेपाल को सही शासन देने का वादा करके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई थी, पर अब उसी शासन को चलाने वाली कम्युनिस्ट पार्टी में ही दो फाड़ हो गया है। जिस चीनी राजदूत के गुणगान भारत के खिलाफ केपी ओली ने किए थे, अब उसी का खामियाजा भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी टूटने की कगार पर है। इन परिस्थितियों में काठमांडू में चीन की राजदूत हो यांकी फिर से अपने तेवर दिखा रही हैं। शीतल निवास में हो यांकी ने नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मुलाकात करके ताजा स्थिति पर चर्चा की। उधर पीएम ओली इस मुलाकात से परेशान हो गए। ये बैठक लगभग एक घंटे तक चली। चीन कम्युनिस्ट पार्टी को टूटने से बचाना चाहता है, लेकिन मौजूदा संकट भी उसके ही हस्तक्षेप का नतीजा है। केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और पुष्प कमल दहल प्रचंड के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के विलय के बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी का गठन हुआ था। अभी इसके गठन को 3 साल भी पूरे नहीं हुए। पिछले कुछ महीनों में प्रचंड ने आरोप लगाया है कि ओली ने सत्ता को साझा करने के समझौते का उल्लंघन किया है। हो यांकी ने इस साल कई मौकों पर दोनों पक्षों में समझौते कराकर स्थिति को शांत किया। हो यांकी की नेपाली राष्ट्रपति के साथ बैठक के विषय में किसी प्रकार का आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। चीन की तरफ से तो कहा जा रहा है कि ये कोविड वैक्सीन की सप्लाई के संबंध में था, लेकिन लोग इसे शक की नजर से देख रहे हैं। चीनी दूतावास के प्रवक्ता झांग सी ने कहा, चीन नहीं चाहता कि नेपाल की सत्ताधारी पार्टी में टूट हो, और नेपाल के नेताओं से गहरे रिश्ते रखने वाला चीन चाहता है कि सभी एकजुट होकर निदान निकाले। ओली और प्रचंड के अलावा माधव कुमार नेपाल और झलनाथ खनाल भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये सभी एनसीपी पर अपनी पकड़ बनाकर रखना चाहते हैं। प्रचंड के गुट का पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी और सेंट्रल कमेटी पर कब्जा है, और वो माधव को फिर से नेपाल का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। माधव फिलहाल पार्टी के सह अध्यक्ष हैं। वहीं पीएम ओली का मत है कि उनके बिना पार्टी की जो भी बैठकें हो रही हैं, उन्हें वैधता नहीं दी जा सकती है। ओली कह रहे हैं कि वो बिना किसी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप के चुनौतियों से निपट लेंगे, लेकिन चीन अपना नियंत्रण किसी भी हाल में कम नहीं करना चाहता। अब इसी हो यांकी से ओली खुश नहीं है, क्योंकि उनका हस्तक्षेप नेपाल में बढ़ने की वजह से और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से की गई मुलाकात से केपी ओली शर्मा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। चीन का कहना है कि वो नेपाल की सत्ताधारी पार्टी को टूटने नहीं देना चाहती, पर ओली पर चीन की राजदूत हो यांकी के इशारों पर चलने के गंभीर आरोप लगे थे। नेपाल में ये सियासी उथल पुथल ऐसे समय पर हो रहा है जब चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, और अब ओली अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। कैपिटल टीवी के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।